इंदौर में गुंडा अभियान के तहत पुलिस प्रशासन और इंदौर नगर निगम द्वारा अपराधियों के मकानों को जमींदोज कर दिया गया। कनाडिया थाना पुलिस के पत्र के आधार पर निगम ने ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कुख्यात अपराधी सद्दाम और शोएब के मकान पर निगम ने बुलडोजर चला दिया। दरअसल पिछले दिनों गाड़ी ओवरटेक करने की बात पर सद्दाम और शोएब ने अपने साथियों के साथ कार में बैठे परिवार पर चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले में दूल्हे की मौत हो गई थी। सद्दाम और शोएब के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज हैं। पुलिस बल की मौजूदगी में निगम ने बदमाश के मकान को जमींदोज कर दिया। गौरतलब है कि यूसुफ पटेल ने सिंगापुर टाउनशिप ग्रीन व्यू कॉलोनी के निर्माणाधीन मकान में काम करने वाले मजदूर की बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद लगातार रहवासी आरोपी यूसुफ पटेल पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस से गुहार लगा रहा था। जहां इसी कड़ी में सोमवार को आरोपी यूसुफ पटेल के मकान को नगर निगम ने जमींदोज किया, साथ ही अन्य दो आरोपियों के मकान को भी जमींदोज किया गया, जिसमें कुख्यात अपराधी सद्दाम और शोएब का मकान शामिल है। प्रशासन के निर्देश पर और हाई कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई हुई है। आज की गुंडा अभियान के तहत कार्रवाई की गई थी और एक खजराना थाना के अंतर्गत है और एक कार्रवाई हमारे तिलक नगर थाना के अंतर्गत। तो तिलक नगर में कितने पे कार्रवाई हुई है? एक मकान वहाँ का थोड़ा है और एक जगह खजराना थाना में जल्ला कॉलोनी का। क्या नाम है सर दोनों गुंडों के? सादिक का है और एक सादिक हुई थी। आज सर दो ही कार्रवाई की, दो क्या तरीके की कार्रवाई? अभी दो ही कार्रवाई है, सदर प्रक्रिया में आए जैसे निर्देश मिलते हैं। तिलक नगर में कितना थोड़ा सर? एक मकान थोड़ा। क्या नाम है गुंडे का? सादिक सद्दाम नाम था। सद्दाम अच्छा सद्दाम। और यहाँ सर ये कौन है? यूसुफ।